ये चमत्कार काशी नरेश के सामने दरबार में भरे सब लोगों के सामने और उन ब्राह्मणों के सामने हुआ था। रविदास जी की चारों तरफ जय जयकार होने लगी। इसमें शर्त ये रखी गई थी कि जो भी हारेगा वो दूसरे पक्ष को पालकी में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराएगा। लेकिन रविदास जी की महानता देखिए, वो जीतने के बाद भी काशी नरेश से उन्होंने कहा कि इन ब्राह्मणों को क्षमा कर दीजिए, इन्हें नहीं पता इन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। ऐसे थे रविदास जी, जीतने के बाद भी हारने वालों के लिए क्षमा याचना करते थे, उन्हें माफ कर देते थे। ऐसे महान संत को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय संत रविदास जी। गुरु जी, लगता है ये मनुष्य फिर कोई बुरी खबर लेके आया है। गुरु जी, समझो कि आपका दाना पानी खत्म और साथ में हमारा भी। क्या बक रहे हैं आप ये? मैं बक नहीं रहा हूँ, जो कुछ सुन के आया हूँ अगर आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या खबर सुन के आए हैं, कुछ बताएंगे भी? वो शूद्र रविदास इस नगर के लोगों का ही नहीं बल्कि आसपास के नगरों में भी चमत्कार दिखाकर लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं। वो भला क्या? शूद्र रविदास ने प्रयाग में अपने मायावी चमत्कार दिखाकर लोगों को अपना प्रशंसक बना लिया है। पहले तो उसकी जाति के लोग ही उसके साथ जुड़े थे, मगर अब तो अन्य जाति के लोग भी उसके साथ जुड़ गए हैं। लोग उसे ईश्वर का सच्चा भक्त समझने लगे हैं और ये हमारे भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। ये तो वाकई में सोचने वाली बात है। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, अब समय आ गया है कि हम अपने राम बाण का इस्तेमाल करें। हो दिया, महाराज काशी नरेश दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या बात है? महाराज, विश्वनाथ जी और उनके कुछ साथी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें आने दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। कहिए विश्वनाथ जी, आप लोग हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? महाराज, आज हम आपसे ये जानने के लिए आए हैं कि हम लोगों को आपके इस राज्य में रहने का अधिकार है या नहीं। क्यों नहीं है विश्वनाथ जी, और वो कौन है जो आप लोगों को राज्य से निकालना चाहता है? क्षमा करें महाराज, यदि हमने उसका नाम बताया तो आप बुरा मान जाएंगे, क्योंकि वो आप ही का सर चढ़ाया हुआ है। कौन है हमारा सर चढ़ाया हुआ, जरा हमें भी तो पता चले। वो शूद्र रविदास। विश्वनाथ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? उस दिन हमने और आपने स्वयं अपनी आँखों से देखा कि रविदास जी ईश्वर के कितने बड़े भक्त हैं। प्रभु की भक्ति के अलावा उन्हें दूसरी किसी चीज में कोई रुचि नहीं है, वो भला क्यों चाहेंगे कि आप लोग इस राज्य में ना रहें? क्षमा करें महाराज, रविदास जो दिखता है वो है नहीं। अरे वो कोई प्रभु का सच्चा भक्त नहीं है, वो तो केवल मायावी चमत्कार करता है एवं काला जादू दिखाता है, और इस बात को हम पूरे दरबार के सामने साबित भी कर सकते हैं महाराज। और यदि नहीं कर पाए तो? महाराज, अगर हम ये बात साबित नहीं कर सके तो अपनी हार मान लेंगे और उस शूद्र रविदास को पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाएंगे, और अगर वो हार गया तो उसे भी यही करना होगा महाराज। साथ ही उसे राज्य छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा महाराज। ठीक है, हमें तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। अब ये भी बता दो, तुम किस प्रकार अपनी बात सच साबित करोगे? महाराज, पहले उस रविदास को इस राज्यसभा में बुलवाया जाए और आगे की सारी बात हम उसकी उपस्थिति में ही आपको बताएंगे। ठीक है मंत्री जी, पूरे सम्मान के साथ रविदास जी को हमारे दरबार में शीघ्र उपस्थित कीजिए और उनसे कहना ये हमारा हुक्म नहीं हमारी प्रार्थना है। जो आ गया महाराज। संत रविदास की जय हो। कहिए आपने आने का कष्ट कैसे किया? रविदास जी, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है? सच मेरे लिए आज बड़े सौभाग्य का दिन है। चलिए भाग्यवान, मैं जरा महाराज के दर्शन करके आता। पर आप लौटेंगे कब तक? अरे जल्दी लौट आऊंगा भाग्यवान, चलिए चलिए जल्दी से। महाराज की जय हो। दरबार में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। महाराज, आज आपने दरबार में बुलाकर मुझे जो सम्मान प्रदान किया है उसके लिए मैं हमेशा हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। रविदास जी, हम क्षमा चाहते हैं जो आपको यहाँ इस तरह बुलवाना पड़ा। आपके यहाँ दर्शन करके हम धन्य हो गए।
महाराज मुझे इतना सम्मान मत दीजिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं तो इस राजमहल की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। बताइए महाराज मेरे लिए क्या आदेश है? हम आपको कैसे बतलाएं रविदास जी कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है? दरअसल हम बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। महाराज आपकी दुविधा मैं दूर किए देता हूँ। रविदास तुम्हें महाराज ने अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बुलाया है, बल्कि हमारे कहने पर तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। परंतु मुझे इस तरह बुलवाने का कारण? कारण ये है रविदास कि आज तुम्हें इस भरे दरबार में सबके सामने अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण देना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं शास्त्री जी? भला कोई प्रभु की सच्ची भक्ति का इम्तिहान कैसे दे सकता है? प्रभु की सच्ची भक्ति तो सच्चे मन और पवित्र आत्मा से की जाती है। तो आप ही बताइए, कोई अपने सच्चे मन और पवित्र आत्मा को कैसे दिखा सकता है? और अगर मैं दिखा भी दूं, तो इस समय आपको नहीं दिखाई दे, क्योंकि आपकी आंखों पर अभी अभिमान का पर्दा पड़ा हुआ है। क्यों, अपनी मायावी चमत्कार दिखा सकते हो, अपनी भक्ति नहीं दिखा सकते? रविदास जी, जैसा कि तुमने अभी कहा कि प्रभु की भक्ति सच्चे मन और पवित्र आत्मा से होती है, तो ठीक है, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो प्रमाण देने में हर्जी क्या है? और अगर तुम प्रमाण नहीं दे सकते तो हम सबको पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाना होगा, और साथ ही साथ ये नगर, ये राज्य छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। शास्त्री जी क्या बोले, मैं ये राज्य छोड़कर चला जाऊँ? शास्त्री जी हार मान पे राज्य तो क्या, ये दरबार छोड़कर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे प्रभु की सच्ची भक्ति की हार होगी, और मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। शास्त्री जी बताइए, बताइए किस तरह मेरी भक्ति का मुझे प्रमाण देना होगा? महाराज आपसे एक निवेदन है कि प्रभु राम की एक सुंदर सी मूर्ति यहाँ किसी ऊंचे स्थान पर रखवा दी जाए, और हम दोनों अपनी भक्ति की शक्ति से उसे अपनी ओर पुकारेंगे, और जिसके पास भी वो मूर्ति चल के आ जाएगी वही कहलाएगा प्रभु राम का सच्चा भक्त। कहो रविदास, तुम्हें मंजूर है? जैसी आप लोगों की इच्छा। शास्त्री जी आप हर तरह से मुझसे बड़े हैं, सो पहला हक आपका बनता है, पहला प्रयत्न आप लोग कीजिए। विश्वनाथ जी ये तो सही कह रहा है, हम हर तरह से इससे बड़े हैं, इसलिए पहला हक तो हमारा ही बनता है। ठीक है विश्वनाथ जी, पहले आप कोशिश कीजिए। उन ब्राह्मणों को इस बात का बहुत गुमान था कि हम ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, हमने वर्षों तक ईश्वर की सेवा की है, एक से एक विद्वान है, एक के नहीं तो दूसरे के बुलाने से ईश्वर हमारे पास आ जाएंगे, और हम सब मिलकर जोर लगाएंगे तो ईश्वर आ जाएंगे। काशी नरेश के दरबार में पहला हक ब्राह्मणों को मिला कि आप कोशिश कीजिए राम जी आपके पास चलकर आ जाएं। मंत्री जी, श्री राम जी की मूर्ति की व्यवस्था की जाए। विश्वनाथ जी अब आप लोग अपना प्रयत्न प्रारंभ करें। हे प्रभु हमारे पास आ जाइए, आ जाइए ना प्रभु जी, हमारे पास आ जाइए, आ जाइए। हे प्रभु मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, हमारी लाज बचा लो प्रभु। हे प्रभु हमारे पास आकर बता दो कि हम ही आपके सच्चे भक्त हैं और आप हमारे श्री राम हैं। हे प्रभु हमारी लाज बचानी होगी आपको, आ जाइए प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु श्री राम, आज आपको हमारी लाज बचानी होगी प्रभु, आज आपको आना ही होगा, आ जाइए प्रभु। विश्वनाथ जी आपका प्रयत्न पूरा हो गया या अभी भी कुछ बाकी है? नहीं महाराज हो गया। ब्राह्मणों ने बहुत कोशिश की, बहुत मंत्र यंत्र तंत्र किए, लेकिन राम जी नहीं आए। तब रविदास जी का नंबर आया, रविदास जी ने उस चक्रभुजी भगवान की प्रार्थना की और राम जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और दूर आसन से चलकर रविदास जी के हाथों में आ गए। अब आप कोशिश कीजिए रविदास जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी भक्ति हमारा विश्वास कम नहीं होने देगी। महाराज जैसी आपकी आज्ञा, अब तो आपकी और मेरी लाज प्रभु राम जी के हाथों में है। चक्रभुजी भगवान मोरी लाज है हाथ तिहारे, लाज है हाथ तिहारे। संत रविदास जी की जय।
प्रभु श्री राम जी की जय। संत रविदास जी की जय। प्रभु श्री राम जी की जय। संत रविदास जी की जय। प्रभु श्री राम जी की जय। संत रविदास जी की जय। प्रभु श्री राम जी की जय। संत रविदास जी की जय। प्रभु श्री राम जी की जय। रविदास जी आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। आपकी भक्ति अपरंपार है। आज आपने सिद्ध कर दिया कि यदि सच्चे मन और पवित्र आत्मा से प्रभु को पुकारा जाए तो वो अपने भक्तों की लाज जरूर रखते हैं। चलिए विश्वनाथ जी, अब आप लोग शर्त के अनुसार रविदास जी को पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाएंगे। नहीं नहीं महाराज, उन लोगों को क्षमा कर दीजिए। वो लोग नहीं जानते उन लोगों ने क्या अपराध किया है। देखा विश्वनाथ जी, तुम में और रविदास जी में कितना फर्क है। तुम लोग हमेशा इन्हें नीचा गिराने की कोशिश में लगे रहते हो, और एक ये हैं जो जीत कर भी तुम्हारे लिए क्षमा चाह रहे हैं। अगर वास्तव में तुम लोग अपने किए पे पछता रहे हो तो अब भी वक्त है, क्षमा मांग लो इनसे। रविदास जी, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, अब भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। हमने आपकी भक्ति को ढोंग पाखंड मायावी ना जाने क्या क्या कह के बुलाया, किंतु आपने तो सिद्ध कर दिया कि प्रभु की सच्ची भक्ति जो भी सच्चे मन और पवित्र आत्मा से करते हैं प्रभु उन्हीं के होते हैं, फिर वो चाहे किसी जाति के क्यों ना हो। हमें क्षमा कर दीजिए रविदास जी। संत रविदास जी की जय। प्रभु श्री राम जी की जय। संत रविदास जी की जय।